ये कहानी है सुंदरवन जंगल में रहने वाली एक गरीब चिड़िया की। उसका नाम बुलबुल था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन और बुलबुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और बहुत जल्द राखी का त्योहार आने वाला था। बेटा, हमें दुकान के लिए राखी बनानी होगी जिसको बेच के हम अपने घर का खर्चा चलाएंगे। और वो दोनों बहुत खूबसूरत राखियाँ बनाते हैं और अगले दिन बुलबुल उसे बेचने निकल जाती है। तब तक आप सभी लोग कमेंट सेशन में ये बताइए कि बुलबुल की बेटी का क्या नाम था। जल्दी से कमेंट कीजिए। बड़ी सुंदर सुंदर राखी है, राखी ले लो, राखी ले लो, बड़ी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं। उसी जंगल में एक भोलू कौवा रहता था। भोलू कौवा अकेला रहता था क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। अरे, आज तो घर का सामान लेने जाना है, चलो जल्दी से बाजार जाके आता हूँ सामान लेने। और वो बाजार की तरफ सामान लेने चल देता है। राखी ले लो, बड़ी खूबसूरत राखियाँ हैं, राखी ले लो। अरे वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत राखियाँ हैं। हाँ भैया, आप भी ले लो मेरी दुकान से राखी। अरे मैं राखी लेके क्या करूँगा, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। ये सुनकर बुलबुल बोलती है, कोई बात नहीं भैया, मैं आपको राखी बांधूंगी, आज से आप मेरे भैया हो और मैं आपकी बहन। और वो भोलू कौवा के हाथ में राखी बांध देती है। बहन, तुमने मुझे राखी बांध तो दी है लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। भैया, मैंने आपको राखी कुछ लेने के लिए नहीं बांधा है, आज से आप मेरे भाई हो। ठीक है बहन, मैं भी जीवन भर तुम्हारी रक्षा करने का वचन लेता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। और बुलबुल भी अपने घर की ओर जा रही होती है, तभी बुलबुल का सर एक टहनी से टकराता है और वो शिकारी के जाल में फंस जाती है। अरे ये तो मेरी बहन की आवाज़ है, ये कहाँ से आ रही है? अरे बहन, तुम इस जाल में कैसे फंस गई? भैया, घर जाते समय मैं इस जाल में फंस गई। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरी बहन, मैं अभी अपने दोस्त मिंकू चूहे को बुला के लाता हूँ। मिंकू, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मेरी बहन जाल में फंस गई है, तुम उसे अपनी दांतों से काट के आज़ाद कर दो। और वो दोनों जल्दी जल्दी बुलबुल के पास जाते हैं। मिंकू बड़ी आसानी से जाल को काट देता है। अरे बहन, ये तो मेरा फर्ज था, तुम्हारी रक्षा का वचन जो लिया है। और बुलबुल अपने घर की ओर चल देती है। बुलबुल घर पहुंच के अपनी बेटी को सारी बातें बताती है। और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी तरह की मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।